नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम टारसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने श्रम कानून संबंधित व्यापक सुधारों के साथ 3 ऐतिहासिक विधेयक पारित कराए हैं। इन विधेयकों से देश के श्रमिकों के हित और स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा कौशल विकास के साथ विभिन्न अधिकार भी प्राप्त होंगे। इन विधेयकों से उद्योग धंधे एवं व्यापार को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसरों की वृद्धि होगी। नई श्रम संहिता में 50 करोड़ से अधिक संगठित असंगठित तथा स्वनियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूर, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर आदि का प्रावधान किया गया है। इसके लागू होने से अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा बढ़ेगी। श्रमिकों के कानूनों के विधेयक को इस प्रकार से संशोधित किया गया है जिसमें मजदूर संहिता 2019, औद्योगिक संबंधित संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य संहिता 2020 एवं सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 सम्मिलित है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इटारसी मंडल ने आज तुलसी चौक इटारसी के बाजारों के क्षेत्रों में जन जागरण अभियान चलाकर श्रम कानून की जानकारी दी। इस अभियान का उद्देश्य देश के करोड़ों श्रमिकों को श्रम कानून के ऐतिहासिक विधेयक की जानकारी पहुंचाना है। इस विधेयक के लागू होने से देश का श्रमिक आत्मनिर्भर बनेगा। देश के संगठित असंगठित तथा स्वनियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस अभियान में नगर भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, नगर महामंत्री मुकेश चंद्र मैना, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष राहुल चौरे, रंजीत चावला, पार्थ राजपूत, आशीष मालवीय, सरेंद्र दुबे, सुधीर गुप्ता, वीरेंद्र मथुरिया, अमित जैन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। समय के लिए मील का पत्थर साबित होगा और हम सब यहाँ पर आई श्रमिक भाइयों के लिए जन जागरण अभियान के तहत आए हैं और उन्हें ये बताया जा रहा है कि ये योजना या ये आपका विधेयक पारित हुआ उससे आप लोगों को क्या लाभ होगा और आप इस योजना और इस विधेयक पारित से आप किस प्रकार से आगे काम कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस जन जागरण अभियान में सतत 3 दिन तक मध्य प्रदेश स्थापना दिवस से लेकर 3 तारीख तक हम लोग इस कार्य को करेंगे। खबर समय जगत के लिए इटारसी से डॉक्टर प्रताप सिंह वर्मा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.